और अब खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां एमपी के सीधी जैसा मामला सामने आया है। जयपुर में एक दलित शख्स ने कांग्रेस विधायक और एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शख्स का आरोप है कि उसके साथ किडनैप करके मारपीट की गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने उससे जूते चटवाए और डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया। इस मामले में जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ थाने में कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा और डिप्टी एसपी समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हालांकि कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने आरोपों को गलत बताया है। तो दलित युवक जिसने आरोप लगाया है कि पहले उसका किडनैप किया गया, मारपीट की गई और फिर उस पर पेशाब की गई, और आरोप लगा है कांग्रेस विधायक पर। कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा और डिप्टी एसपी समेत चार लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव दिया कि इसमें एफआईआर लगाओ, अन्यथा हम आपके खिलाफ एआईसीसी जाएंगे, आपका टिकट कटाएंगे। बहुत सारी अनगल बातें की हमारे को, इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जो राजू नाइक नाम का लड़का है, वो इसका नौकर है, उसके नाम से एफआईआर दर्ज करवाई है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।